हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपना वीडियो। और सुबह सुबह ना हम लोग ऐसे ही ठेले से सब्जी ले लेते हैं बाहर, मतलब ना मेन मार्केट से सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ इतने सारे ठेले निकलते हैं ना दिन भर की, आपका जितना मन करे लेते रहो। तो हम लोग सुबह सुबह कोशिश करते हैं ना कि ले लें, फ्रेश रहती है सब्जी। तो चलो अभी मैं ले लेती हूँ, इसके बाद आप लोग से ऊपर पहुँच करके फिर बात करूँगी। तो ऊपर आ गए हैं और ये मैं आप लोग को दिखाऊं, इतनी सारी सब्जी लेकर के आए हैं। सब कुछ थोड़ा 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 क्योंकि दो ही लोग हैं ना खाने वाले, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना कि 5 किलो आलू 5 किलो प्याज वैसे टाइप करना फिर ख़राब हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा 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 लेते हैं, 1 किलो आलू तो आधा किलो प्याज। और वैसे भी यहाँ से मतलब दिन भर में 20-25 ठेले तो सब्जी वाले निकलते ही होंगे, तो सब्जी का कोई इशू ही नहीं रहता। जब आपका मन करे जितनी सब्जी लेने का मन करे खरीद सकते हैं। तो इसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अभी मैं इनको सबको धुल करके रखूँगी। खीरा है, टमाटर है, मटर है और धनिया पत्ती भी डाल दिए अंकल जी इसी में। और नींबू भी हमने लिया हुआ है, तो नींबू नीचे होगा। ये नींबू नींबू है और गाजर भी हमने ली हुई है। गाजर कहाँ है, नीचे दब गई है। ये गाजर, तो सब कुछ ना हमने थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है। और अभी मैं इसको धुलूँगी और सबसे पहले तो मैं मेथी को धुल करके रखती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी का पराठा और इनकी छुट्टी है तो ये भी करने हैं। तो पहले अभी मैं नाश्ता या मतलब ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी आप समझ सकते हो, आलू मेथी का पराठा ही बनाएंगे डायरेक्ट और खाएंगे पेट भर के, तो वो लंच ब्रेकफास्ट दोनों कवर कर लेगा। तो पहले मैं बनाती हूँ, आज नहाना वहाना सब बाद में होगा। तो चलो ठीक है, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, इसके बाद आप लोग से बात करूँगी। और एक लगा लूँ ना इसको, तो बाल जो आगे के छोटे छोटे रहते हैं ना वो आगे ही आगे होते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाला है और थोड़ा सा फिर मैंने अजवाइन डाला है, हींग डाला है और फिर मैं मिर्ची डाल दूंगी। ऐसे आप बनाइए ना, बहुत टेस्टी बनते हैं पराठा। तो ये मैंने मसाला में हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, यही तीनों चीज़ें ली हुई हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अभी मैं मैश किए हुए आलू भी इसमें मिला दूँगी और अच्छे से चलाने के बाद जब थोड़ा सा आलू और मसाला दोनों पक जाएंगे, फिर इसके बाद मैंने जो मेथी कट करी हुई थी इसको भी डाल दूँगी। और मेथी डालने के बाद फिर हमें 10-12 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेना है, ताकि मेथी भी थोड़े थोड़े पक जाए और आलू भी पक जाए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मेथी नहीं पकाना है, थोड़ा सा हेल्दी खाना खाना है ना, तो ज़्यादा मेथी नहीं पकाएंगे तभी वो हेल्दी रहेगा। तो अभी हमारा सडन प्लान चेंज हो गया और हम लोगों ने पहले पराठा खाने से पहले प्लान बनाया कि चलो जूस पी लेते हैं और थोड़े से फ्रूट्स खा लेते हैं। ये अभी रखे हैं, वैसे तो फ्रिज में नहीं रखे थे बट फिर भी मैंने कट करके ना इनको धूप में रख दिया है। 2-4 मिनट धूप में रखे रहेंगे ना तो नॉर्मल हो जाएंगे। और जूस का तो ऐसा होता है ना कि जूस को आप निकालने के बाद ना थोड़ा सा गैस पे चढ़ा दो, सिर्फ एक मिनट से भी कम टाइम के लिए, तो ये हल्का सा गुनगुना हो जाता है ना, तो जो इसमें तासील होती है ना ठंडी वाली वो हट जाती है। और थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना जूस ना सच बताऊँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना और गर्मियों में तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। और इन्होंने अपना जूस ख़त्म कर दिया है और फ़ोन चलाने पे लगे हुए हैं। तो अभी मैं पराठा भी बना करके ले आई हूँ और मुझे लगा चलो यार अभी जूस भी लिए, लगे हाथ पराठा भी एक एक दो दो खा लेते हैं और इसके बाद नहाते आते हैं आराम से, फिर 2 बजे तक जब भूख लगेगी तो फिर पराठा बना दूंगी। और आज हम लोग जा रहे हैं, कई जगह जाएंगे, अबू लेन और एक कौन सी थी भूल गई मैं, अरे यार आप लोगों ने इतना तो बताया था कि आप उस मार्केट में जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है, जैसे लखनऊ में अमीनाबाद मार्केट कुछ ऐसे टाइप की। मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है ढंग से, बट मैंने जितना सुना है आप लोगों ने जितना कमेंट में बताया है तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। यार अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था और अब भूल गई, तो एक बार जब मैं वहाँ जाऊँगी ना तब फिर याद आएगा और बर्तन धुल जाएँ फिर इसके बाद मैं जाऊँ।
तो अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं और सबसे पहले हम लोग बेगमपुल जाएंगे, उसको लाल कुर्ती मार्केट भी बोलते हैं। तो अभी तक मैं गई नहीं थी कभी, तो अब फाइनली हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और यही नाम मुझे भूल रहा था क्योंकि एक भी बार गया नहीं ना, इसलिए नहीं नाम ज़्यादा याद आ रहा था। अभी जाएंगे तो याद हो जाएगा। अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं और मैं बेगमपुल भूल गई थी, बार बार सोच रही थी ना कि कुछ मैं भूल रही हूँ, कुछ भूल रही हूँ, बेगमपुल। तो हम लोग बेगमपुल मार्केट आए हैं और देखते हैं कुछ ठीक ठाक दिखेगा तो ठीक है, वरना फिर कोई बात ही नहीं है। ढूंढने के बाद अभी हम लोग अंदर मार्केट के आ गए हैं। चारों तरफ आप लोगों को दिखा दूं और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, मुझे इस मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ था। लेना कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑलरेडी है, क्या दे। अभी हम लोग अबुलेन मार्केट में आ गए हैं और ढूंढते ढूंढते हमें फाइनली वेज मोमोज मिल गए। वेज मोमोज मीन्स सोयाबीन वाले नहीं, हाँ पत्ता गोभी वाले, जो मतलब हम लोग को पसंद है क्योंकि यहाँ मेरठ में ना चारों तरफ जिधर देखो बस वही सोयाबीन वाला, सोयाबीन वाला। अभी मैं इसको उतार देती हूँ, क्यों लगा रखी हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठ करके यहाँ खाते हैं और इनको देखो नंबर लगा भी दिए खाने में। अच्छा ठीक है खाना, जैसे मैं फोन उधर घुमा करके ले गई ना बेचारे छोड़ दिए। खाओ टेस्ट करो कैसा है, अभी देखो। अच्छा, और फाइनली यहाँ भैया ने बोला कि नहीं सोयाबीन डालने से ना मोमोज का टेस्ट चला जाता है, वरना यहाँ तो जिधर देखो ना बस वही सोयाबीन सोयाबीन। ये वाले हम ढूंढ रहे थे। यहाँ की मार्केट में भी इतना ज़्यादा रश रहता है ना कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप फ़ोन निकाल करके वीडियो बना पाओ। और यहाँ बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है ना, खींचा खाची बहुत होती है, चोरी चपाटी। इसलिए फ़ोन मैंने बिल्कुल ना पॉकेट के अंदर डाल लिया था कि वीडियो बनना इतना ज़रूरी नहीं, फ़ोन अपने पास रहना चाहिए। पता चले कोई ले करके भाग रहा है तो फिर वीडियो बनाना ही हाथ लगे। अच्छा मुझे तो दो ठीक है। बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं है इसमें। तो अभी हम लोग अबुलेन से घूमने के बाद इधर PVS मॉल आ गए हैं और इधर घर जाते टाइम ही ये बीच रास्ते में ही पड़ जाता है ना, तो आते जाते जब मन करे रुक जाओ। और ये तो मतलब ना यहाँ जब से मैं मेरठ आई हूँ ना मेरी कुंडली में लिख गया है ये वाला मॉल। इनको भी बहुत इजी होता है ना, ऑफिस से आते जाते ये बीच में पड़ जाता है और घर से भी बीचों बीच पड़ जाता है ना, तो जैसे ही हो बस चलो PVS मॉल चलो। और वैसे भी एक जो काफ़ी अच्छा बड़ा वाला मॉल है ना तो वो काफ़ी दूर है, तो कभी हम लोग वहाँ भी
जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। और कपड़े जो भी लेना होता है ना वो इस मॉल में भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ वैसा नीड नहीं होता कि नहीं बड़े वाले मॉल में ही जाना है। तो चलो अभी हम लोग घूम लेते हैं और देखते हैं क्या लेना है। एक दो सेट कपड़े ले ही लूँगी, क्योंकि कपड़े देख लेती हूँ मैं तो मेरी नीयत ख़राब हो जाती है, लेने का मन कर ही जाता है। और इनको मेन सूज लेना था इसलिए हम लोग आए थे। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।